हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो ऑप्शन मेनू का, ऑप्शन सेटिंग का, एडवांस और कस्टम रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब आज का ये सेकंड वीडियो है वर्ड के ऑप्शंस का। एडवांस में आते हैं और एडवांस में आने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको चेंज करना एकदम से ठीक नहीं है। उसका चेंज कर दीजिएगा तो आपका जो वर्ड का फॉर्मेशन है वो इधर उधर मतलब गड़बड़ हो जाएगा और उसको फिर से सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो यहाँ से सेट की हुई हैं और उसको चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे कल हमने एक इसमें टॉपिक लिखा था, टाइप रिप्लेस सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो टाइप रिप्लेस सेलेक्टेड टेक्स्ट, जब भी कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे उसको टाइप करेंगे उस पर, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। वेन सेलेक्टिंग ऑटोमेटिकली सेलेक्ट इंटायर वर्ड, जो भी इंटायर वर्ड को सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट टू बी, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप उसको पकड़ के इधर से उधर कर सकते हैं आप, जैसे जैसे छोटा सा उदाहरण से देखते हैं ताकि उसको आप समझ सकें बहुत अच्छी तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बार बार और रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। जो भी आप स्पेशल कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर दें। देखिए यहाँ पे कहता है ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको पकड़ के आप वहाँ से उठा के यहाँ कर सकते हैं, यही है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये सेटिंग आप बंद कर देंगे तो आपको सहूलियत होगी क्या? नहीं होगी ना। तो इसलिए इन सब सेटिंग को बंद ना करें। हम आपको सिर्फ वही सेटिंग के बारे में बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? या फिर कोई सेटिंग ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही, उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको कर सकते हैं, या फिर आप मैसेज से पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग है, यूज़ कंट्रोल प्लस की क्लिक द फॉलो हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक जब लगाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है, जैसे इस चूज पे हमने क्या किया, इस चूज पे हमने हाइपरलिंक लगाया कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक यहाँ पे कुछ भी हम लिख देते हैं, ओके, ये हाइपरलिंक हमारा लग गया। अब इसको कहता है कि कंट्रोल प्लस के क्लिक टू फॉलो लिंक। देखिए यही जो पूछ रहा है वही कह रहा है कि कंट्रोल जब क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पे उंगली बन जाएगा। देखिए वही क्लिक करने के लिए वही कह रहा है कि उसको क्या करें। तो देखिए उसको आप हटा देते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको समझने में उस चीज़ को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसको एकदम एज इट इज वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ से आते हैं, कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि पेस्टिंग विथ सेम डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देगा। अब कैसे पेस्ट करेगा ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। जब कोई भी चीज़ आप कॉपी और पेस्ट करते हैं तो वो सेम पेस्ट होगा कि कैसे? तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जहाँ से आप कॉपी जिस फॉर्मेट में कर रहे हैं वैसे ही कॉपी होगा, या फिर आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मर्ज फॉर्मेटिंग, कीप टेक्स्ट ओनली, जो भी आप जैसा भी सेटिंग आप करके छोड़ना चाहें वैसा हो जाएगा। लेकिन इसको चेंज मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको चेंज ना करें, क्योंकि जब भी आप कोई कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं अलग से तो उसमें होता है कि आपने उस डॉक्यूमेंट से जहाँ से लिया है उसका फॉर्मेटिंग आएगा तो आपको पता चलेगा ये क्या आया है। अगर आप चेंज उसको कर देते तो आपको पता ही नहीं चलेगा, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए काइंडली उसको चेंज ना करें। पेस्ट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड ही सारा ऑप्शन है, ठीक है? तो इसको चेंज ना करें। उसके बाद पेन, अब पेन जब आप यूज़ करेंगे टच पैड का पेन, तो यूज़ पेन टू सेलेक्ट एंड इंसर्ट विथ कंटेंट बाय डिफॉल्ट। तो जब भी आप यूज़ करेंगे पेन का तो जो भी सेलेक्ट करेंगे वो कंटेंट बाय डिफॉल्ट रहेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इमेज एंड साइज क्वालिटी, उसका क्या साइज होगा? अब देखिए यहाँ पे आप उसका साइज ऑल न्यू डॉक्यूमेंट के लिए या फिर डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं, तो उसको ना छुए, उसको एज इट इज रहने दें। साइज अब यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, डो नॉट कंप्रेस इमेज फाइल, अब उसको छोटा नहीं करेगा। मान लीजिए आपका फाइल 20 MB का है तो 20 MB का ही पेस्ट करेगा, उससे दिक्कत क्या होगा कि जब आपका फाइल तैयार होगा तो फाइल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, कहीं भेजने में कहीं कुछ काम करने में आपको दिक्कत होगी, खोलने में हैंग होने लगेगा। तो आप उसको चेंज ना करें, क्योंकि
अब ये डोंट कंप्रेस कर देंगे तो उसको कंप्रेस करेगा ही नहीं, तो बड़ा साइज ही रह जाएगा, तो इसको एकदम वैसे ही छोड़ दें, उसमें कोई चेंजिंग ना करें। अब डिफॉल्ट रेजुलेशन क्या है, 220 है, उसको और क्लियर आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 330 भी कर सकते हैं, रेजुलेशन उसका क्वालिटी रहेगा, उसका मतलब कि जिस क्वालिटी पे वो दिखाई देगा। ऐसा ही सेम चार्ट के अनुसार है कि आप कोई चार्ट, ये चार्ट तब समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा जब आप एक्सेल पढ़ रहे होंगे। अब सो डॉक्यूमेंट कंटेंट में क्या सो चाहिए, सो बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेज इन प्रिंट आउट, प्रिंट लेआउट ये कर दीजिएगा, तो जो कलर आप सेलेक्ट करते हैं या फिर जो कलर लगाते हैं वो भी प्रिंट आउट, जैसे हमने पिक्चर में सेट किया था वैसे उस कलर पे भी कोई हाईलाइटर वगैरह लगाते तो वो भी प्रिंट आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो बुकमार्क्स, बुकमार्क्स लगाएंगे उसको शो करने लगेगा, सो कंट्रोल कैरेक्टर शो करने रहेगा, सो टेक्स्ट बाउंड्रीज करने रहेगा, सो क्रॉप मार्क्स करने, तो ये सब चीज़ों को चेक ना करें, क्योंकि जब भी आप प्रिंट आउट करने लगेंगे और उस समय आपको ध्यान नहीं रहा कि आपने चेंज कहाँ से किया है, तो आपका डॉक्यूमेंट कुछ उत्पटांग सा प्रिंट होने लगेगा। तो मैं बार बार आपको सजेशन दे रहा हूँ कि ये सिर्फ सीखने के पर्पज से है, कभी कोई ऐसा चेंज कर देता है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आता है डिस्प्ले, सो द नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट, रिसेंट डॉक्यूमेंट में 50 डॉक्यूमेंट रहेगा। अब रिसेंट डॉक्यूमेंट क्या था हम जानते हैं, यहाँ पे फाइल ओपन में आते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है यही है रिसेंट डॉक्यूमेंट, तो कितना होगा नंबर 50 हो सकता है, इसको आप बढ़ा घटा भी सकते हैं आप अपने अनुसार से, तो आपकी मर्जी, ये डिपेंड करता है आप पे, आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो है सो है, क्या दिक्कत है। अब कहता है उसके नीचे सो दिस नंबर अनपिन रिसेंट फॉलोअर फोल्डर्स, अब अनपिन जो होगा वो भी 50 शो करेगा, तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इनकेस कभी आप उसका नाम भूल जाते हैं तो जब वो आपके लिस्ट में रहेगा तभी तो आप देख पाएंगे, तभी तो आपको ध्यान आएगा, इसलिए इसको छेड़छाड़ ना करें। हाँ आप 50 से ऊपर कर सकते हैं, उसको कम ना करें, ठीक है, क्योंकि 50 डॉक्यूमेंट का नाम याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो उसके लिए ये फायदेमंद होता है। आप 50 से 60 बेशक कर सकते हैं, लेकिन 50 से 40 मैं नहीं कहूँगा कि आप करें। अब सो पिक्सल फॉर HTML फीचर्स, जब HTML का कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसके लिए है, लेकिन जब HTML का हम कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वर्ड में क्यों लिखेंगे, उसको उसके एडिटर में लिखेंगे ताकि हमको सावधान आसानी हो, उस लिखने में सावधानी हो, कोई गलती ना हो। ठीक है, सो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों आ सकता है, कब जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब, इस टाइप से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ प्रिंट में, प्रिंट इन बैकग्राउंड ये हमने सेट किया था, ध्यान दीजिए कब, यहाँ पे जब डिज़ाइन में चेक किया था, तो प्रिंट पेज इन रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं। अब देखिए प्रिंट कैसा करना है आपको, ड्राफ्ट क्वालिटी में, मतलब ड्राफ्ट मतलब सबसे कमजोर क्वालिटी में, नहीं जब भी प्रिंट आउट करिए तो क्लियर प्रिंट आउट करिए, नहीं तो मत करिए। अब प्रिंट इन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में प्रिंट करेगा, प्रिंट पेज इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा, प्रिंट कर सकता है, रिवर्स ऑर्डर मतलब जैसे पेज है आपका 1 2 3 4 तो वो छापना शुरू करेगा 4 3 2 1, ये रिवर्स ऑर्डर में भी छाप सकते हैं आप जब चाहेंगे तो ये चेंजिंग ना करें, आगे बढ़ें। यहाँ पे स्केल कंटेंट A4 साइज का बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, तो A4 ही रहने दें, क्योंकि हम नॉर्मली जो पेज यूज करते हैं वो A4 ही यूज करते हैं। ठीक है, कहता है प्रिंट पोस्ट स्क्रिप्ट ओवर टेस्ट, अब ये सब चीज़ें तो बेकार ही है चेंज करना, क्योंकि ये चेंज होते ही आपका सारा डॉक्यूमेंट इधर से उधर हो जाएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेव कर रहा, सेव में कहता है कि प्रॉम्प्ट बिफोर सेविंग नॉर्मल टेम्पलेट, वो पहले दिखाएगा कि आप जो सेव कर रहे हैं वो नॉर्मल ठीक है नहीं ठीक है, ऑलवेज क्रिएट बैकअप कॉपी, आप चाहते हैं तो वो करना लगेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको कर सकते हैं, और यहाँ से इसकी जो सेटिंग है बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक एक इम्पोर्टेंट सेटिंग थी स्पोनिंग की, वो हमने उसको छोड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम अगला मेनू ख़त्म करेंगे उसके बाद ये शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप इसको छेड़छाड़ यहाँ से ना करें HTML डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप जब
मैंने कहा था कि HTML लिखेंगे तब तो इस पे क्यों लिखेंगे जब हमारे पास HTML लिखने के लिए बहुत सारा तरीका है। तो अब यहाँ पे देखिए कस्टम रिबन। अब कस्टम रिबन क्या है? रिबन इन द सेंस मेनू, कस्टम मेनू आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेआउट देखिए, जो भी आपका मेनू है वह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, होम, इंसर्ट, ड्राइंग, लेआउट, रेफरेंस, जो भी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं या फिर इधर से उधर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी चीज, जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेआउट में पेज सेटअप जो है और उसको चाहते हैं कि होम में आ जाए, ठीक है? तो पेज सेटअप कहाँ पे आ जाए? तो होम में। उसको खोलते हैं और इस पेज सेटअप को क्या करते हैं, उसको उठा के यहाँ से होम में डाल देते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ से पेज सेटअप गायब हो गया लेआउट से, होम में आते हैं तो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे देखिए कहीं पेज सेटअप आ गया होगा, यहाँ पे पेज सेटअप आ चुका है। तो ऐसा आप कर सकते हैं यदि जो आपको ऐसे करने की ज़रूरत महसूस होती है या फिर आपको ऐसा करना इम्पोर्टेंट लगता है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आप उसका कुछ चेंजिंग करें क्योंकि वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर से लेआउट उठा कर रख देते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हैं तो आप इधर से उधर जोड़ सकते हैं, किसमें भी, कहीं भी, कैसे भी। आप यहाँ से एक एक चीज़ पढ़ लीजिए और यहाँ से उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये पॉपुलर कमांड है और यहाँ पे ऑल कमांड्स आएगा तो और भी बढ़ जाएगा। जो भी कमांड्स आप कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं वर्ड में, वो सारे लिस्ट में आ जाएंगे। आप उसमें से जो भी आप चाहें आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब कभी कभी आता है सिस्टम में कि कोई मेनू काम नहीं कर रहा है या फिर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ से उसको हटा सकते हैं। जैसे डेवलपर, अभी देखिए यहाँ पे डेवलपर दिखाई दे रहा है, हम चाहते हैं उस डेवलपर को हटा दे, तो यहाँ से टिक मार्क लगाइए, ओके करिए, यहाँ से डेवलपर गायब। तो इस टाइप से आप मेनू हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इस कस्टम रिबन के बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार होता कहाँ पे है पहले वो जानिए। ये है क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो तीन कोने में दिखाई दे रहा है, इसमें सेव, अंडू, रिडू, सेव, अंडू, रिडू, तीन ही चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और कुछ होगा तो वो दिखाई देगा, आप यहाँ से कुछ छोड़ेंगे तो दिखाई देगा। फिर एक बार क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना कुछ है, आप यहाँ से वो ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ नया चीज़ जुड़ जाए, नो इशू, आप यहाँ से जो भी जोड़ना चाहते हैं आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। जैसे फॉन्ट, फॉन्ट सेलेक्ट करिए, ऐड कर दीजिए, ओके करिए, देखिए वहाँ पे एक फॉन्ट कम आ गया। तो आप एज जो भी चाहें आप यहां से जोड़ सकते हैं, और जो भी आपको ऐसा लगता है कि जोड़ना ज़रूरी है तो आप बेशक जोड़ सकते हैं। तो उसके बाद एडेंस तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही एडेंस है कि आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए। ट्रस्ट सेंटर ये आपके लिए नहीं है क्योंकि ये उसके सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट मतलब कि जब ऑफिस चलता है उसका कुछ अपना इंपॉर्टेंट फाइल होता है उसी के लिए है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ऑप्शंस का, उम्मीद है कि काफ़ी पसंद आया होगा आपको और इसका आप फायदा उठाए होंगे। कल से हम रेफरेंस शुरू करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद जो है वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं और लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कैसे, तो वो कल देखेंगे हम लोग एक नए स्टाइल में और एक नए ढंग से। थैंक यू वेरी मच।